अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक विद शाहिद। आज हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग को डिस्कस करेंगे, व्हाट वी आर प्रपोजिंग टू डिफरेंट फैक्ट्रीज फॉर डिफरेंट बिल्डिंग्स। इसका एक्चुअली जो हमने लास्ट ब्लॉक में डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस किया था फुटिंग्स जैक्टिंग, फिर हमने डिस्कस किया इसमें कॉलम्स की जैक्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जैकेट बीम्स डिपेंडिंग ऑन के उसमें फेलियर के किस किस्म का फेलियर था और डिपेंडिंग ऑन के एफिशिएंसी ऑफ वर्क किस में है। तो इसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रपोजल जो क्लाइंट्स को देते हैं कि आरसी की जैक्टिंग करनी है या एमएस के कंपोजिट सेक्शन बना के उसकी जैक्टिंग करनी है, और साथ उसमें वी विल ट्राई टू कवर आरसी स्लैब के आरसी स्लैब्स की अगर जैक्टिंग हो तो उसमें हम किस किस्म की जैक्टिंग प्रपोज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के जो आरसी स्लैब है उसकी ज्योमेट्री कैसी है और उसका फेलियर क्या है और उसके रीजन ऑफ फेलियर्स क्या है। तो एक बीम्स की जैक्टिंग आ जाती है, सपोज दिस इज द एग्जिस्टिंग बीम एंड इट फेल्ड इन स्ट्रेंथ, देन वी प्रपोज हेयर अगेन सेम वे बीम जैक्टिंग। इसके अंदर बीम जैक्टिंग के अंदर अगेन हम लिंक्स आते हैं हमारे यू बार्स जो कि एग्जिस्टिंग कंक्रीट या स्लैब या बीम के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, उसको ड्रिल करके इसको अपॉक्सी से फिल कर देते हैं ताकि इसका प्रॉपर वो कनेक्शन बने। उसके बाद ये इसकी प्रपोज्ड रीइंफोर्समेंट है, इसमें भी हम एल बार इसमें ऐड करके तो इसका नई कंक्रीट का एग्जिस्टिंग कंक्रीट के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बना देते हैं। तो इस तरीके से हम ये बीम की जैक्टिंग प्रपोज करते हैं। इसमें जो इसकी मेन रीइंफोर्समेंट है, जैसे ये इसकी मेन रीइंफोर्समेंट है, इसको हम इंसर्ट करते हैं ड्रिल करके कॉलम के अंदर भी फिक्स करते हैं। सपोज दिस इज आवर एग्जिस्टिंग बीम एंड इट्स आवर प्रपोज्ड जैक्टिंग, जो इसकी मेन रीइंफोर्समेंट आ रही है इसको कॉलम के अंदर ड्रिल करके तो इसको फर्दर अपॉक्सी करते हैं ताकि ये कॉलम टू कॉलम इसका प्रॉपर कनेक्शन बने। सेकेंडली न्यू टू एग्जिस्टिंग कंक्रीट भी इसका प्रॉपर कनेक्शन बने। तो इस तरीके से हम इसकी कॉलम की जैक्टिंग सॉरी बीम की जैक्टिंग प्रपोज करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें आ जाता है फर्दर इसमें कि सेकेंड ऑप्शन में ये आपका सेकेंड ऑप्शन में इसमें यह है कि ये आपका एम एस का आरसी का बीम है, इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन कर देते हैं आइदर टू प्रोवाइड द स्मॉल प्लेट्स टू एक्ट लाइक ए कंपोजिट एक्शन सेक्शन, अदरवाइज इसके नीचे हम आई बीम प्रपोज कर देते हैं। आई बीम देके फर्दर इसको हम स्ट्रेंथन कर देते हैं, लेकिन it's not that much reliable and it's very difficult to count how much contribution will take by RC member and how much will be for MS member. So better to make the that jacketing with same material. So usme wo economical bhi hai aur zyada reliable method bhi hai. Iske alawa jo isme next iska RC ka element hai wo aa jata hai iska RC ki slabs ka. Suppose this is our RC slab and it's supported by RC columns. तो अगर तो इसमें deficiency आ रही है कि कॉलम की सॉरी स्लैब की डेप्थ कम है और वो इसकी स्ट्रेंथ में फेल हो रही है, देन सेकेंडली साइड्स पे क्या होता है कि उसमें ड्यू टू वाटर लीकेज आ रही है, इफ इट्स रूफ स्लैब सो ड्यू टू वाटर लीकेज एंड अदर थिंग्स देर आर सम डैम्पनेस इश्यूज, वो डैम्पनेस इतनी डीप पेनिट्रेट कर जाती है आरसी में कि इसके जंक्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं और कंक्रीट को डिटोरेशन शुरू हो जाती है, उसमें क्रैक्स आने उसकी सरफेस डैमेज हो जाती है, उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट है उसकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है जिस वजह से वो जंक्स गिरना शुरू हो जाते हैं। देन इन दिस कंडीशन वी आर प्रपोजिंग स्लैब जैक्टिंग, एक दो से तीन इंच की एक लेयर कंक्रीट की प्रपोज करते हैं विद लाइट रीइंफोर्समेंट, विद लाइट रीइंफोर्समेंट के उसमें नंबर थ्री और नंबर टू की रीइंफोर्समेंट के साथ इसमें हम क्या करते हैं कि ये नीचे से शटरिंग करके ऊपर से प्रपोज करते हैं कि ये कुछ सम सर्टन डिस्टेंस पे कोर कट करके तो इधर से फिर ये कंक्रीट को फिल करते हैं, इस इधर से
कंक्रीट को फिल करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो इसमें कंक्रीट है उसके मिक्स डिजाइन में सेल्फ लेवलिंग, सेल्फ कंपैक्शन वाले जो एडमिक्सचर्स हैं वो यूज करते हैं, ताकि इसमें कोई हनी कम्बिंग या जो उसकी चंक्स जो है उसके वो ज्यादा वो कैविटीज वगैरह क्रिएट ना हो जो इसमें कंक्रीट डाली जाए। इसमें वाइब्रेटर भी लगता है नीचे से, जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है। फर्दर जो केमिकल यूज करते हैं तो इसको प्रॉपरली जो लेवल कर देते हैं और सेल्फ कंपैक्ट कर देता है इसको। इस तरीके से हम इसके जैकेट इसको जैकेट कर सकते हैं कंक्रीट को, आरसी के स्लैब को। इसके अलावा इसमें क्या इशू आता है कि समटाइम ये इश्यूज आते हैं कि ये आपके जो स्पैन है वो काफी बड़े उसके रहते हैं क्लियर स्पैन, लेकिन जो आपकी स्लैब की डेप्थ है इट्स नॉट सफिशिएंट टू टेक द लोड्स एंड समटाइम उसकी सेगमेंट। फिर हम क्या प्रपोज करते हैं कि इसके नीचे आरसी के या एमएस के एडिशनल बीम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्लैब का जो स्पैन है वो डिवाइड हो जाता है। तो व्हेन इट कम्स लाइक अगर 30x30 का पहले स्पैन है, अगर एक उसमें दरमियान में बीम ऐड कर दें तो उसका स्पैन 15x30 रह जाता है, जिसमें वो अपनी जो साइज है, जो एग्जिस्टिंग साइज है उसको उसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें जो एडिशनल बीम है वो आइदर इट कैन बी आरसी और इट कैन बी विद एमएस गर्डर्स। तो इसमें आरसी का डालेंगे तो जैसे हमने पहले वो प्रपोज की थी चीजें, ये उसी तरीके से हम नया बीम प्रपोज करते हैं जिसमें उसके लिंक्स उसके अंदर ड्रिल करके एपॉक्सी कर देते हैं और ऊपर से हम उसको फिल करके, तो ये आरसी का गर्डर आ सकता है। अगर आरसी का गर्डर उधर नहीं ऐड करना तो उधर हम जो एक क्विक वे है वो एक एमएस का गर्डर प्रपोज कर देते हैं। ये एमएस का गर्डर आ जाता है। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि इसमें जो एमएस का टॉप है और स्लैब का बॉटम है उसके उसमें 25-30 मिली का गैप रखते हैं, ताकि जो उसमें अनइवन सरफेस है उसकी वजह से वो एमएस में और स्लैब में गैप ना आए। इस जो गैप अभी हमने क्रिएट किया 25 मिली का, जब ये इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं एमएस के गर्डर की, तो उसके बाद उसको हम नॉन श्रिंकेज ग्राउट से फिल कर देते हैं, ताकि जो कंटेक्ट एरिया बिटवीन गर्डर एंड एमएस आरसी स्लैब वो उसमें कोई गैप ना रहे, कोई कैविटी ना रहे, एंड स्लैब शुड ट्रांसफर लोड टू दिस गर्डर 100% करेक्टली विदाउट एनी गैप। इस तरीके से हम इन स्लैब की स्ट्रेंथनिंग प्रपोज करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी एक्सप्लेन हाउ टू स्ट्रेंथन आवर फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब। अगर कोई सिमिलर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसमें आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपनी बिल्डिंग की लाइव लोड कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं या कोई फर्दर उसमें स्टोरीज ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज डू कंटेक्ट अस। वी विल प्रोवाइड यू वेरी एफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।